हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रश्मि। जैसा कि आप लोगों से मैंने कहा था कि मैं अपनी नेक्स्ट क्लास में कुछ पिकॉक और फ्लावर के बेसिक शेप्स बताऊंगी, तो आज मैं पिकॉक और फ्लावर के बेसिक शेप्स बताने जा रही हूँ। अगर आप लोग पिकॉक और फ्लावर्स के बेसिक शेप्स ही सीख जाते हैं तो आप पिकॉक और फ्लावर से ही एक मेहंदी का प्यारा पैटर्न ड्रॉ कर सकते हैं। तो आइए, टाइम को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए अपनी क्लास शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो आज सबसे पहले हम पिकॉक का एक शेप बताएंगे। एक पॉइंट लेके राउंड करते हुए हाफ सी शेप। इसके बाद इसकी आईज बनाएंगे। इसको हम एस शेप लेते हुए नीचे से वी शेप में जॉइन कर देंगे। नेक्स्ट पिकॉक शेप। पिकॉक शेप को हम केरी से बनाएंगे। मैंने अपनी पिछली क्लास में बताया था केरी बनाना, तो सबसे पहले हम एक लेटी हुई केरी बनाएंगे। इसके बाद इस केरी से पिकॉक की नेक को जॉइंट कर देंगे। ये हो गए हमारे 4 पिकॉक शेप्स। हम पिकॉक बेसिक पिकॉक शेप्स है इसलिए मैंने आप लोगों को बताए हैं। आप चाहें तो आप भी केरी से या कोई कई डिजाइनें ऐड करके आप उसमें पिकॉक शेप ड्रॉ कर सकते हैं। तो आइए अब हम लोग फ्लावर्स के कुछ बेसिक शेप्स देखते हैं। सबसे पहले हम एक सर्कल करेंगे, उसके अंदर एक सर्कल करेंगे। इस सर्कल को हम थोड़ा सा मोटा रखेंगे। अब हम इसमें पेटल्स बनाएंगे। फ्लावर्स में कुछ कंपलसरी नहीं होता है कि हमें 5 पेटल्स बनानी है या फिर 6 पेटल्स बनानी है, 7। आपको जितनी पेटल्स फ्लावर में ड्रॉ करनी है आप उतनी पेटल्स बना सकते हो। अगर आप लोगों को इस तरह से फ्लावर बनाने में प्रॉब्लम होती है तो हम आपको एक ट्रिक बताते हैं। आप उस तरह से फ्लावर बनाएंगे तो आसानी से बना लेंगे। सबसे पहले हम एक सर्कल करेंगे, उसके अंदर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे।
हम ऊपर से एक लाइन लेंगे नीचे की ओर, फिर एक स्ट्रेट लाइन लेंगे, फिर तिरछी लाइन लेंगे, फिर एक तिरछी लाइन लेंगे। फिर अब हम इसमें किसी भी पेटल्स का डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि हम ये डिजाइन क्रिएट करते हैं। वैसे आप सभी लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने बचपन में अपने टीचर से ऐसे ही फ्लावर बनाना सीखा था। तो मेरे ख्याल से तो आप में से अधिकतर लोगों को, आप लोगों को ये तरीका पता होगा कि हम लोगों को बचपन में टीचर्स ऐसे ही ड्रॉ करना बताती है। ये एक फ्लावर ड्रॉ हो गया। इसके हम स्पाइरल करेंगे। सबसे पहले हमने एक स्पाइरल ड्रॉ करा, इसके बाद अब हम इसमें पेटल्स ड्रॉ करेंगे। ट्रिक से बनाएंगे। सबसे पहले हम एक स्पाइरल ड्रॉ करेंगे, इसके बाद फिर हम एक स्ट्रेट लाइन लेंगे, हम इसमें पेटल्स का डिजाइन ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह से। एक ये हमारी डिजाइन ड्रॉ हो गई। अब हम नाइन्थ फ्लावर शेप बनाएंगे। सबसे पहले हम एक स्पाइरल ड्रॉ करेंगे, इसके बाद हम इसमें पेटल्स बनाएंगे। इसकी पेटल्स हम स्पाइरल से दूर ड्रॉ करेंगे। फ्लावर शेप बनाएंगे। इसके लिए पहले हम एक सर्कल लेंगे, इसके बाद अंदर एक सर्कल बनाएंगे, इसके बाद हम पेटल्स ड्रॉ करेंगे। एक और फ्लावर शेप बनाएंगे, उसके लिए सबसे पहले हम स्मॉल सर्कल, उसके बाद उसके ऊपर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हम इसमें पेटल्स बनाएंगे। ये हमारा फ्लावर शेप है। ये फ्लावर शेप हम मेहंदी में बहुत ही जगह यूज़ करते हैं, तो इसको आप एक इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। वैसे तो आपको सबकी ही अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, बट कुछ चीज़ें हैं जिनको हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। फ्लावर शेप बताएंगे, वो फ्लावर शेप हम केरी की डिज़ाइन से क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम एक स्मॉल सर्कल ड्रॉ करेंगे, फिर हम उसके ऊपर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, फिर हम ऊपर एक केरी ड्रॉ करेंगे, इसके बाद हम नीचे एक केरी ड्रॉ करेंगे,
हम पेटल्स ड्रॉ करेंगे। एक पतली पेटल ड्रॉ करेंगे, फिर हम एक चौड़ी पेटल, हम इधर साइड की पेटल्स ड्रॉ करेंगे, इसमें एक पतली पेटल्स ड्रॉ करेंगे, फिर एक चौड़ी पेटल्स। ये फ्लावर भी हमारा बहुत ही अच्छा लगता है। अब ये हमारे पिकॉक और फ्लावर्स के कुछ बेसिक शेप्स हैं, इनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, अब हम आपको अपनी नेक्स्ट क्लास में कोन बनाना सिखाएंगे। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ढेर सारा लाइक और शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर माई वीडियो।